एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 224 पे दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 7। तो कोई स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, कोई स्फीयर है, सर्कल मत समझ लेना इसको, ये क्या है स्फीयर है, इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। स्फीयर में केवल एक ही डायमेंशन होती है, दैट इज ओनली रेडियस, इसमें हाइट वाइट नहीं होती है कुछ ही। हमने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था किस तरीके से रेडियस होता है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना है सर्फेस एरिया। अब बच्चों स्फीयर की अगर सर्फेस एरिया की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, कोई बॉल है जिसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, ऐसे सोच लो, ये स्फीयर का सर्फेस एरिया निकालना है। तो स्फीयर का जब भी सरफेस एरिया निकालते हैं तो टोटल सरफेस एरिया की ही बात करते हैं हम, वहाँ कोई लेटरल सरफेस एरिया या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है ना। जो कर्व सरफेस एरिया होता है वही क्या होता है, उसका टोटल, वही उसका लेटरल भी होता है। लेटरल शब्द का यूज़ हम कब करते हैं, जब जैसे हमारी कमरे की दीवारें ऐसे खड़ी खड़ी, जब घुमा हुआ एरिया होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर सिंपली आप यही टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया आप कुछ भी बोल दीजिए, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ व्हाट स्फीयर, क्या लगाएंगे बताइए, 4πr², ठीक। तो 4 इंटू, देखो पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो हम लोग क्या लेंगे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर। अब ध्यान दें थोड़ा सा, देखो 4 का कोई यूनिट है नहीं, पाई का कोई यूनिट नहीं है, पर ये जो 7 है रेडियस किसमें दिया हुआ है, 7 7 क्या सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि 7 का स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 7 स्क्वायर मतलब सब लोग समझते हो ना, क्या 7 × 7, ठीक है। 7 स्क्वायर का मतलब 7 × 2 मत कर देना, 7 को 7 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 7 × 7, ओके। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 × 22 कितना हो जाएगा बताइए, 88 × क्या बचा 7, तो क्या हो जाएगा 7 × 56, यहाँ 5 7 × 56, 56 + 5 कितना हो जाएगा 61। तो द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर।